अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हमारा सफ़र है सवात से गिलगित की तरफ। ये रास्ता तकरीबन टोटल 400 किलोमीटर है और टाइम इसमें लग जाता है तकरीबन 12 घंटे। हम इस वक्त ख्वाजा खिला से दाईं जानी मुड़ेंगे शांगला टॉप की तरफ। बिशाम की तरफ से हमने जाना है। इस तरफ से रास्ता लेफ्ट साइड पर गलाम की तरफ जाता है। जी बुई जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में कि हम बड़ी गाड़ी पर जा रहे हैं अगर, तो क्या आपको फील हो रहा है? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप 2 मिनट लगातार बोल रहे हैं आपने। माशाल्लाह, फिर हंस के बोल रहे ना, 2 मिनट पूरे हो गए तेरे। लेकिन आपने बोला नहीं, जरा ये पेट्रोल पंप पे रुके अंदर ना, फिर इसमें जरा यहाँ से फ्री हो। हुई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा चुके हैं हम इस वक्त। ये देखें, छोटे छोटे बिशाम से हम गिलगित की तरफ रवाना हो चुके हैं और अब हम जाएंगे इंशाल्लाह दासू। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देते हैं अपडेट। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, ये नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें ये बुई भाई ना, इनको भूख लगी हुई है, कहते हैं जी नाश्ता का कोई बंदोबस्त करो। हमजा और काशिफ अली नींद पूरी कर रहे हैं, मुबशर भाई गाड़ी चला रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक हम सफ़र 2 घंटे हो गए हमें आए हुए और अभी तक हमने 95 किलोमीटर रास्ता जो है वो तय कर लिया। बड़ा खूबसूरत रास्ता है, साफ़ सुथरा है, बिल्कुल कोई रोड ख़राब नहीं है। यहाँ तक पेट्रोल मिल रहा था, एक बंदे से हमने गिलगित का रास्ता पूछा तो वो कहता है जी पेट्रोल फुल करके आगे जाएं। अब आगे देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। खुदा नजर भी रखे को बश्तो में अबासीन कहते हैं, मतलब दरियाओं का बाप। ये बहुत चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, उम्मीद है थोड़ा फील कर रहे होंगे आप। ये देखें, इस वक्त हम दासू के रास्ते में हैं। ये कराक्रम हाईवे है सारा, देखें धूप आज काफ़ी तेज़ है। सुबह के इस वक्त जो है वो तकरीबन 8 बज रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी गाड़ी है,
ये हम चार बंदे हैं और एक हमारे साथ छोटा बच्चा है। बड़ी प्लानिंग इन दोनों ने की है कि ये बकरा उठा के साथ रख लेते हैं, नाश्ता तो मिला नहीं, कहीं पर ज़िबा कर लेंगे। चार बंदे, जब चार बंदे मिलके सफर कर रहे हैं तो फिर सस्ती कॉमेडी तो थोड़ी थोड़ी बनती है। नादरीन जी इस वक्त भूई साहब आप देख रहे हैं जो ओवरलोड है और रमजान नशे में है क्योंकि हमें नाश्ता नहीं मिला। ये जरबक भाई कह रहे थे कि शाम जाके जरा नाश्ता सी करना है ना, एच जी भी इन्हें पता नहीं देखा मकवाइया है तो नाश्ता मिलेगा ही दासू के करीब पहुंच कर दरिया के किनारे ये छोटे से दो ढाबे नजर आए हैं। लॉकडाउन की वजह से तमाम दुकानें और होटल्स वगैरह बंद थे तो सोचा यहीं से नाश्ता किया जाए। जरबख्त राजपूत इसके नाम से इसकी फेसबुक आईडी है। ये जो पानी आ रहा है बहुत ही साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। इस वक्त हम रुके हैं दासू के करीब चाय पीने के लिए और आपको पता है आजकल सबको एक ही बीमारी है, बस वीडियो 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 और टिकटॉक। काशी वाली अभी सोया हुआ उठा है। चाय आ गई है, बिस्कुट हम अपने लेके आए हैं। वैसे हम बिस्कुट कह रहे हैं कि होते बिस्किट आए हैं, चाय ज़्यादा नहीं आ गई। कोई गल नहीं, पी लो, ये है बिस्कुट। यहाँ से 20 नंबर सुपर मिले हैं। अच्छा है, जगमगा रहा है वो ही खुदा। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਮਗਾ ਜੇ ਤੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਮਿੱਠੀ ਆ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਆਫਰ ਇਸਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਂ। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दया मीर भाषा डैम की साइड पर। ये चिल्लास से थोड़ा सा ही पीछे है। रात को दिन बना रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। चिल्लास से थोड़ा आगे आ गए हैं जी, पेट्रोल फुल करवा लिया, दिल को थोड़ी तसल्ली हो गई है। जरबख्त भाई भी चार्ज हो गए हैं, ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह। चला रहा है
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रायकोट। रायकोट से ये रास्ता फेरी मेडोज की तरफ जाता है और सामने जगलोट है। जगलोट से गिलगित की तरफ हम जाएंगे और जहां पर पीछे जीप्स वगैरह खड़ी हैं ये फेरी मेडोज की तरफ जाती हैं। रायकोट के इस पुल से आगे रोड बिल्कुल नया बना है और बिल्कुल साफ़ है गिलगित तक, बल्कि ऐसा कहें चाइना बॉर्डर तक बिल्कुल साफ़ है तो गलत ना होगा। गुजरात 274 गिलगित 11। इस वक्त हम पहुंच गए हैं गिलगित में, गिलगित सिटी में एंटर हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से भूख बड़ी शदीद लगी थी तो कोशिश की बर्गर चखे जाए, लेकिन सब ने इत्तफाक नहीं किया इनके टेस्ट पर। बर्गर इन्होंने भाई ने अच्छे बनाए थे, लेकिन सब ने पिज़्ज़ा खाना था। पिज़्ज़ा का ऑर्डर हमने कर दिया तो इंशाल्लाह 15 मिनट का टाइम उन्होंने दिया, तब तक इन चवलों ने 2-3 टिकटॉक बनाने हैं और हम भी इंजॉय कर लेते हैं इनके साथ, देखते हैं क्या करते हैं। ये हैं जी, ये दोनों देखें जी, सब थक गए हैं, अब लेट रहे हैं, सो रहे हैं। ये हमारे रूम में होटल है सिटी में, हमें इंतहाई अच्छे रेट पर मिल गया चौधरी होटल। इंतहाई इकोनॉमिकल भी और सर्विस भी अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह हो चुकी है, मैं नहा चुका हूँ। ये देखिए सुबह के 5:10 नमाज का टाइम है, तो इंशाल्लाह हमजा भी निकलने लगे हैं। हम ये ज़रबत भाई पानी पिला रहे हैं हमजा वाशरूम में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे का क्लिप जो है गुजरात पास तक, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप उसको भी चेक कर लीजिए। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे वीडियो को।